नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं गुरुवार का ऐसा उपाय आपसे शेयर करने जा रही हूं जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही चमत्कारी है, और करना भी एक ही गुरुवार को है, एक ही बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके विवाह के संयोग, आपके रिश्ते का आना, रिश्ते का मना नहीं होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे आपके लिए पॉजिटिव होती हैं, आप एक गुरुवार करके देखें। वैसे भी गुरु बृहस्पति जो हैं वो विवाह के कारक हैं, लड़कों के और लड़कियों के, तो विशेष तौर से लड़कियों के विशेष तौर से विवाह के कारक हैं। लड़कों के भी पत्नी कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो भी गुरु भगवान ही तय करते हैं। तो जीवन साथी आपका कैसा मिलेगा उसके लिए आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। एक नेक्स्ट बात बताती हूँ कि इस उपाय को करने के लिए महीने का पहला बृहस्पतिवार होना चाहिए, पहला गुरुवार होना चाहिए, माने जून में पहला गुरुवार 3 जून को पड़ रहा है। उसके बाद से कितने भी गुरुवार आए आपको इस उपाय को नहीं करना। लड़की और लड़के दोनों ही सुन लें। मम्मी पापा अगर बच्चों के लिए करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहले ही बृहस्पतिवार को करेंगे। आप जून में अगर ना कर पाएँ, जैसे लड़कियां हो सकता है मंथली पीरियड में हो और ना कर पाएँ, तो फिर जुलाई का जो महीना आएगा उसका पहला बृहस्पतिवार होगा, उस दिन करिएगा आप इस उपाय। मैं बताती हूँ उपाय किस तरह से करना है। बृहस्पतिवार को आपको सुबह नहा धो के तैयार होना है, एक चौकी लेनी है और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। और उससे पहले बता दूं कि आपको खुद को भी पीले कपड़े धारण करने हैं। अब जैसे कोई एक कपड़ा, चाहे पीला दुपट्टा ओढ़ लीजिए, लड़के हैं तो पीली शर्ट पहन लें, कोई एक कपड़ा जरूर हो पीला आपके पहना हुआ। उस दिन पहला बृहस्पतिवार होगा और उस दिन आपको चौकी पर सामने बृहस्पति देव की फ़ोटो रखनी है। बृहस्पति देव की फ़ोटो ना हो तो विष्णु भगवान की फ़ोटो आपको सामने रखनी है। विष्णु भगवान की फ़ोटो सामने रखने के बाद आपको करना क्या है कि आपके पास होनी चाहिए, आप व्यवस्था कर लीजिएगा उससे पहले 3 दिन पहले। इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि 3 कौड़ियाँ होनी चाहिए आपके पास। अब मेरे घर में तो हैं कौड़ियाँ, पूजा स्थान पर रखी हुई हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं हो सकती हैं। तो 3 कौड़ियाँ होती तो सस्ती हैं, लेकिन पूजा पाठ की दुकान पर मिलती हैं, हर दुकान पर नहीं मिलती। 3 कौड़ियाँ आपको ला के व्यवस्था करके रखनी है। अगले जुलाई के बृहस्पतिवार करें तो आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी भी आपके पास 3 दिन है। 3 कौड़ियाँ आपको लेनी है, उस वक्त आपके पास 3 कौड़ियाँ होनी चाहिए। 3 कौड़ियाँ आप जैसे भगवान के सामने धूप दीप करते हैं वो तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको 3 कौड़ियाँ जो है उनको आप एक गंगा जल लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी मिलाइएगा, हल्दी मिला के वो 3 कौड़ियाँ एक कटोरी में डाल लीजिएगा और उनको उंगलियों से पूरी हल्दी लिपटा दीजिएगा। 3 कौड़ियों को लिपटाने के बाद वो कटोरी वैसे की वैसी विष्णु भगवान के सामने रखिएगा। अब आपके पास थोड़ा सा केसर भी होना चाहिए, चाहे एक ही तार हो केसर का, क्योंकि 3 कौड़ियों के लिए एक तार बहुत होता है। एक तार हो, 2 तार हो केसर का हो आपके पास, उसको गंगा जल में भिगोइएगा, उसका पीला पीला पानी होगा ना, उसको आप 3 बिंदी 3 कौड़ियों पर लगा दीजिएगा। केसर की 3 बिंदी 3 कौड़ियों पर लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आपको उसे पीतल के किसी बर्तन में रखना है। अब यहाँ से हटा के जब आप केसर लगा लें तो यहाँ से हटा के आप किसी पीतल के बर्तन में रखें, कटोरी हो आपके पास, कोई पुराना पीतल का कोई बर्तन, थाली हो आपके घर में, किसी बड़े बुजुर्गों की कोई पीतल का एक बर्तन छोटा सा हो तो वो आप रख लीजिएगा। उसमें रखना है पीतल के बर्तन में, आपको 3 कौड़ियाँ उसमें रख लेनी है केसर लगाने के बाद। अब भगवान के आगे वो अर्पित कर दी हैं आपने 3 कौड़ियाँ, अब आपको जाप करना है हल्दी की माला से। हल्दी की माला आपके पास नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप जो भी माला आपके पास है उस माला को आप हल्दी में लिपटा लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी हल्दी उसको गंगा जल में गीली करके थोड़ा सा उसके पूरी माला में लगा लीजिएगा, हल्दी लगा लीजिएगा थोड़ी सी, वैसे कर लीजिएगा। अब आप कहोगे कि माला भी कई बार नहीं होती है, हल्दी की माला भी नहीं है, दूसरी माला भी नहीं है, तो आप क्या करिएगा, चने की दाल तो घर में होगी ना, किचन में चने की दाल हो तो चने की दाल के 108 दाने आप
गिन के ले लीजिएगा एक कटोरी में, दूसरी कटोरी पास खाली रख लीजिएगा। मंत्र जो आगे स्क्रीन पर आ रहा है, विष्णु भगवान के गुरु भगवान की तस्वीर के नीचे मैंने मंत्र दिया है, आप मंत्र देख लीजिएगा वहाँ से। और मंत्र एक बार बोलेंगे और एक दाना इधर से चने का, चने की दाल का एक दाना इधर से उठा के दूसरी कटोरी में रखेंगे, तो इस तरह से 108 हो जाएंगे। और तीन माला आपको मंत्र की करनी है। मंत्र है ओम गुरुदेवाय नमः, बहुत आसान सा मंत्र है। एक दाना उठाइएगा चने की दाल का, दूसरी कटोरी में रखिएगा और बोलिएगा ओम गुरुदेवाय नमः। बहुत आसान मंत्र है, बहुत ईजी है, बेटियाँ बेटे सब पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। तीन माला करते देरी नहीं लगेगी। तीन माला आप करने के बाद कौड़ियों को एक छोटा पीला कपड़ा, जैसे आपने चौकी पर बिछाया ना उसके साथ का थोड़ा सा छोटा सा रुमाल टाइप एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास पीला, उस कपड़े में उन तीनों कौड़ियों को आप बांध लीजिएगा। तीनों कौड़ियों को बांधने के बाद आप उसको देखिए, सबसे ज़्यादा तो पवित्र और सुरक्षित जगह है आपका पूजा घर, और उसके बावजूद भी आपकी कोई ऐसी सुरक्षित जगह हो, स्वच्छ हो, साफ़ सुथरी हो, पवित्र हो, ऐसी कोई जगह हो है ना आपके, जहाँ आप पैसे वैसे रखते हो, कोई और चीज़ें किसी प्रकार की रखते हो, अच्छी चीज़ें, वहाँ पर भी रख सकते हैं उस पीले कपड़े में तीनों कौड़ियाँ बंधी हुई। और अगर आप कहीं नहीं कोई जगह है तो फिर आप एक काम करिएगा कि पूजा घर तो आपका पवित्र है ही, वो तो साफ़ सुथरा है ही, उसमें रख लीजिएगा। अब रोज़ आप धूप दीप करेंगे, अगर पूजा घर में रखी हैं कौड़ियाँ तो रोज़ धूप दीप करें तो कौड़ियों को ज़रूर दिखा दें। वो पोटली सामने पीले कपड़े में बंधी हुई पड़ी होगी ना, उसको आप दिखा दें, धूप दीप दिखा दें रोज़। ये आपने सामान अब उठा देना है चौकी पर से, पूजा विष्णु भगवान की तस्वीर हटा दीजिए, वहाँ धूप दीप किया हुआ है तो वो जब हो जाए पूरा तो आरती वारती करेंगे आप, तो फिर वो सब हटा दीजिएगा गुरुवार के दिन। हटाने के बाद वो कौड़ियाँ आपने वहाँ से ले ली हैं, लेके आपने पूजा घर में या कहीं सुरक्षित जगह पर रख ली हैं, उसके बाद से आपको उन कौड़ियों को पड़े रहने देना है। उसका भी मैं आगे बताती हूँ कि कौड़ियों का आपके करना क्या है। आपने अब आप देखेंगे कि रोज़ाना जैसे ही गुरुवार आएगा आप नमस्कार भी करेंगे, कौड़ियों को धूप दीप भी दिखाएंगे, प्रार्थना विनती भी करेंगे, जिस दिन रखेंगे कौड़ियाँ उस दिन भी प्रार्थना विनती करेंगे, भगवान के आगे अपनी समस्या रखेंगे शीघ्र विवाह की। और अब आपको आप देखेंगे कि आपके लिए कितनी जल्दी विवाह के बनते हैं संयोग, और जब आपकी शादी हो जाए तो उन कौड़ियों को कपड़े पीले कपड़े सहित पानी में विसर्जित कर आइएगा। पानी में विसर्जित कर दें, और बहुत ही ज़्यादा कोई कंडीशन, रेयर कंडीशन में समस्या हो तो पीपल के नीचे छोड़ दीजिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।